अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो ब्रेड की रेसिपी है, और ब्रेड के लिए जो डो है उसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। सेम एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करनी है आपने और डो रेडी हो जाएगी। डो रेडी होने के बाद जो सेम डो थी उसमें से मैंने जो क्वांटिटी आपको बताई है उसमें से इस वक्त में उसमें दो ब्रेड आपकी इजीली मीडियम साइज की बन जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेरी क्योंकि डो सॉरी ब्रेड छोटी है तो मैंने उसका 1/4 तकरीबन पार्ट लिया है, तो उसको आपने इस तरह से निकालना है और इस तरह से प्रेस डाउन करना है। ये देखिए, थोड़ा सा फोल्ड करके उसको प्रेस करें ऐसे। मैं आपको अपना मोल्ड दिखा दूं, ठीक है, ये मेरा मोल्ड है। ठीक है, इसको हमने ग्रीस कर लेना है थोड़े से ऑयल से, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, और इस तरह से आपने सारे मोल्ड पे उसको ब्रश कर लें या हाथों से लगा लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ताकि आपकी ब्रेड इस पे स्टिक ना हो, इसके कॉर्नर्स पे भी, क्योंकि ब्रेड रेज होती है उसके बाद वो प्रॉब्लम हो जाता है। ओवन, ऑब्वियसली आई डोंट हैव ओवन, तो मैं इस वक्त जो यूज करूंगी वो पतीले का इस्तेमाल करूंगी, स्टोव टॉप ओवन होगा। अब इसको मैंने इस तरह से करना है, इस तरह से, ठीक है, और यहां से मैंने उठा के इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये फोल्ड हो गई है, कोशिश करें हर तरफ से बैलेंस हो। ठीक है, इसको मैं यहां पे छोड़ूंगी और आधा घंटा मैं इसको इस तरह से थोड़ी गर्म जगह पे ढक के मैं इसको कवर करूंगी क्लिंग फिल से, और इसको रख दूंगी मैं 30 मिनट्स के लिए, और फिर मैं इतनी देर में जो प्रोसीजर है मेरा डेगची का या पतीले का पॉट का वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से हमने रख लेना है। फॉर हाफ आवर, आधे घंटे के बाद मैं इसको निकालूंगी और आप देखेंगे ये राइज हो चुका होगा अगेन। ब्रेड हमारी रेज हो चुकी है, हाफ आवर लगा इसको, और इसको अबाउट 1 इंच तक ये अगर ऊपर उठता है तो इट्स ओके। अब हम इसको एग वॉश देंगे, ठीक है, सिंपली देखें, देगची मैंने रखी है, चूल्हा मैंने जो रखा है मीडियम लो रखा है, और इसको फॉर अबाउट तकरीबन 10 मिनट्स जिसमें अच्छी तरह हीटेड हो जाए इसको गर्म करेंगे, और उसके बाद हम अपनी ब्रेड रखेंगे इसमें, और वो मैं आपको शो करती हूँ। देखिए, प्री हीट हुआ हुआ है, इसके अंदर मैं इसको रखूंगी, ये देखें, ठीक है, और साथ में आपको ये बता दूं कि यहां पे मैं इसको थोड़े से कट्स दे रही हूं जस्ट, ठीक है, इस तरह से। काइंडली ध्यान रखिएगा, ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि देगची बहुत गर्म है, पॉट हमारा बहुत गर्म है, इस तरह से ये लाइंस आप डाल दें, ये बड़ा खूबसूरत इफेक्ट देंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर नेक्स्ट। को हमने स्टार्ट में फॉर 5 मिनट्स मीडियम हाई हीट पे रखना है, और उसके बाद मैं मीडियम लो कर दूंगी, ठीक है। ब्रेड देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है, अभी मैं इसको कट करती हूँ, ठीक है, इसका आप साइड्स भी देख सकते हैं। इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद आप कट कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी इस वक्त गर्म है, ठीक है, और इसको नीचे से भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये कटिंग के साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी मिल्की ब्रेड रेडी है, और इसको जो टाइमिंग दी थी मैंने प्री हीटेड, मेरा पॉट था फॉर 10 मिनट्स, मैंने उसको प्री हीट किया था मीडियम हाई फ्लेम पे,
उसके बाद मैंने 5 मिनट्स के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही पहले मैंने ओवन में रखा था, जो पॉट ओवन था मेरा। उसके बाद मैंने फॉर 13 to 14 मिनट्स मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पे इसको कुक किया है, बेक किया है। ये आपके सामने है, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है, ठीक है। अभी हल्की सी गर्म है, और इसकी मैं टिप आपको दे दूं कि इसको रैक पे रखना है आपने, इसको प्लेट पे नहीं रखना। जैसे ही आप उसे ओवन से निकालेंगे अपने और उसको इसके सांचे से निकाल के, मोल्ड से निकाल के, आपने इसको डायरेक्टली प्लेट पे नहीं रखना है, इसको ठंडा होने के लिए रैक पे रखना है जहां इसको चारों तरफ से हवा लगे, वरना ये सॉगी हो जाएगी, ठीक है, और कटिंग में सही नहीं होगी। उसके ठंडा होने के बाद आपने इस तरह से स्लाइस कर लेने हैं। इसको एंजॉय करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, डो की रेसिपी मैं डाल चुकी हूं, मैं अगेन बता रही हूं, इस वीडियो के लास्ट में भी इंशाल्लाह वो आपको रेसिपी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें। मजीद अच्छी रेसिपीज के साथ आऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।